न्यायिक सेवा से जुड़े लोग अमूमन सामान्य लोगों की नजर में सख्त और कड़क होते हैं, लेकिन बिहार में जहानाबाद जिले के जज राकेश कुमार सिंह ने आज कोर्ट में लगाए गए लोक अदालत में कुछ ऐसा किया कि लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया और जिस किसी ने भी यह माजरा जाना हर कोई जज साहब की दरियादिली का कायल हो गया। दरअसल एक बुजुर्ग को 18,000 कर्ज बैंक को लौटाना था। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे बुजुर्ग ने बताया कि उसके पास कर्ज लौटाने के लिए पैसे नहीं है। बेटी की शादी में खर्च के बाद वह कर्ज में डूब गया है। बुजुर्ग के साथ 5,000 रुपए थे। उनके साथ आए एक युवक ने बुजुर्ग को 3,000 रुपए दिए और बाकी के 10,000 डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी तरफ से दे दिया। जज साहब की सौहृदयता कर्जदार बुजुर्ग के दिल में बैठ गई। बुजुर्ग अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रहे थे। जज साहब ने तो इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन गरीब बुजुर्ग धन्यवाद देते नहीं थक रहा था। देखिए यह खास रिपोर्ट। हम सरकार कर्ज लड़की के शादी के लिए लिए थे और हमसे कर्ज चुकाया नहीं, हम पर नोटिस हो गया। हम कर्ज 5,000 रुपया लेके मालिक वसूल करने के लिए, तब हमको पास पैसा नहीं था, 18,000 मांग रहे थे 600। जज साहब आ गए, जज साहब ने हमको मदद किया कि हम 10,000 दे देंगे गरीब ग्रामीण को। 5,000 आप दिए और 3,000 और कौन दिया? 3,000 हम लोग लड़का ही कहा गाँव घर को के लिए, बाकी 10,000 10,000 जज साहब। जज साहब क्या कहेंगे जज साहब को आप? जज साहब का फुला रहत उगर रहत एक से कई को साहब हम आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। आओ कहा, क्या नाम हुआ आपका जी? क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? आदमपुर। 107